हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कारपेंटर और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप आपके कंप्रेशर के अंदर ऑयल चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारे पास कंप्रेशर हमारा, जिसमें हम ऑयल चार्ज करेंगे और हमारे पास ऑयल है इसके लिए, ये केमिकल इंडिया का एसी प्रो ऑयल। तो दोस्तों, इसमें 250 ग्राम ऑयल चार्ज होगा। तो देखिए, करते हैं इसका ऑयल चेंज। पहले इसका जो ऑयल रखा है इसमें, उसको निकालते हैं, उसके बाद इसमें ऑयल चार्ज करेंगे। और कैसे चार्ज करते हैं वो आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो सक्शन वाल से इसका पहले इसका जो अंदर का ऑयल है उसको एक किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें दूसरा ऑयल चार्ज करेंगे। तो ये किया इसको उल्टा और इसका ऑयल सारा निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका ऑयल निकाला जाता है। और ये ऑयल सक्शन वाल की तरफ से आप निकाल लें। अभी इसका ऑयल सही है तो ये वापस से इसमें डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ऑयल। बाकी ऑयल निकालने का फ़ायदा ये होता है, अगर मॉइस्चर वगैरह होता है तो वो भी दिख जाता है इसमें। देखिए दोस्तों, इसका सारा ऑयल निकल चुका है। अब इसमें दूसरा ऑयल चार्ज करेंगे, पूरा क्लीन है ऑयल। तो ये ऑयल इसमें वापस से स्टोर कर देंगे। तो इसको दो तरीके से आप डाल सकते हो, या तो आप इसको इस सीरीज की सहायता से डाल सकते हो, सीरीज में थोड़ा थोड़ा लेके और हल्का हल्का इसके सक्शन में डाल सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि ये एक ऐसी लाइन है, ये मोटरसाइकिल की लाइन की तरह है, पेट्रोल की लाइन की तरह, तो आप इससे भी डाल सकते हो। एक मुंह लगाना है इसका इसमें ऑयल में और दूसरा इसके सक्शन पे। सक्शन में याद रखना, सक्शन पे लगाना, डिस्चार्ज में या फिर डिस्चार्ज गैस चार्जिंग वाले वाल से मत लगाना इसको। और इसमें लगाने के बाद कंप्रेशर चालू कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा ऑयल सक कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें ऑयल चार्ज करना है। तो ये हमने सीरीज में भर लिया इसमें ऑयल। इसमें ऑयल आने के बाद इसको सक्शन में डालना है और हल्के हल्के धीरे धीरे इसमें ऑयल डालना है। ये जल्दी से एक साथ मत डालना इसमें ऑयल। ये कुछ इस तरह से आपको इसमें ऑयल डालना है। अब ये तो हो गई हमने सीरीज वाली विधि। अब मैं आपको दूसरी विधि बताता हूँ इसकी, जो लाइन से इसमें डालेंगे ऑयल। तो सबसे पहले कंप्रेशर को सप्लाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने सप्लाई दे दी है कंप्रेशर को। इसको सप्लाई देने के बाद एक सीरीज लेना, ये लाइन लेना और एक मुंह इसका ऑयल में डाल देना। एक मुंह ऑयल में डालने के बाद दूसरा यहाँ अटैच कर देना इसका। अगर आपके पास बड़ी लाइन हो तो आप उससे भी कर सकते हो उसको। तो ये लगा दी हमने। लगाने के बाद इसको कंप्रेशर को ऑन करेंगे और ये देखिए दोस्तों, ये कंप्रेशर ऑयल सक कर रहा है। ये पूरा ऑयल इसने सक कर लिया, यानी कि ये फुल्ली चार्ज हो गया है ऑयल से। ये दो तरीके से आप कंप्रेशर को चार्ज कर सकते हो। ये देखिए, और ध्यान रहे हमेशा आपको सक्शन से डालना है, ना कि इसके गैस पॉइंट से। ये आप सक्शन से डालना हमेशा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।